गिरिडीह के झंडा मैदान में रविवार को झारखंड राज्य एकीकृत पोषण सखी मंच की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। यहां संघ की प्रदेश महासचिव प्रतिभा कुमारी की अध्यक्षता में यह बैठक की गई। बताया गया कि सेवा से बर्खास्त किए जाने से नाराज पोषण सखियों ने 4 जुलाई को धनबाद गोल्फ ग्राउंड में मुख्यमंत्री के आगमन पर उनसे मिलकर मांग पत्र सौंपने और पुनः सेवा में बहाल करने के लिए विचार करने हेतु धनबाद जाने का निर्णय लिया। बताया गया कि आगामी 12 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री देवघर एयरपोर्ट उद्घाटन के कार्यक्रम में शामिल होने पर गिरिडीह जिले के समस्त पोषण सखी उनसे मिलने का प्रयास करेंगी और अपनी वार्ता से उन्हें अवगत कराने का निर्णय लिया है, ताकि पोषण सखियों को पुनः केंद्रांश झारखंड सरकार को दिया जा सके, जिससे पोषण सखियों की सेवा पुनः बहाल हो सके। वहीं जुलाई माह के अंत में शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान धरना प्रदर्शन देने का निर्णय भी बैठक में लिया गया। पोषण सखी का संघ का आज एक दिवसीय यहाँ पे हम लोग प्रखंड स्तरीय बैठक रखे हैं, जिसमें हम लोग का निर्णय लेना है कि आगामी जो 12 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं देवघर, वहाँ पे हम लोग मिल करके प्रदर्शन करेंगे और अपनी जो मांग है उनके समक्ष रखेंगे। और कल आनी धनबाद जिले में कल आ रहे मुख्यमंत्री जी, उनमें जा करके हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि सरकार हम लोग के साथ बहुत ही घिनौना काम किया है। हम लोग लगातार 6 साल सेवा देने के बावजूद अचानक हम लोग का वहाँ जो 10 फरवरी से लेकर के 24 मार्च तक आंदोलन में थे, उसके बीच में मंत्री जी आकर के हम लोग को आश्वासन दिए कि आप लोग का मांग जायज है, आप लोग की सेवा स्थायी होगी, लेकिन उसी दिन हम लोग का निरस्त लेटर घर भेज करके निरस्त लेटर दे दिए। उसी के विरोध में हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार प्रदर्शन तब तक करते रहेंगे जब तक हमारी नौकरी वापस नहीं मिलेगी।